हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 45 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4 यानी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के यहाँ पे हम 45 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ देखेंगे। और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेट रूप से आपको कई सारे यहाँ पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। तो निषेचन के बाद हमेशा आपको याद रखना कि बीजांड से क्या बनता है, तो बीज बनता है। और यदि आपसे पूछे कि निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है तो अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है, अंडाशय फल में बदल जाता है। तो निषेचन के बाद दो ही परिवर्तन आते हैं, जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है और जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। तो यदि आपसे पूछे कि निषेचन के बाद बीजांड से बनता है तो बीजांड से बीज बनता है। अगला क्वेश्चन है द्वि निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की। तो आपको याद रखना है नवाश्चिन ने की थी। किसने की थी? नवाश्चिन ने की थी द्वि निषेचन की खोज। अगला क्वेश्चन है बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है यानी पॉलिनेशन होता है। तो आपको याद रखना है कि वाटर पॉलिनेशन यानी कि जल परागण होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अंडाशय का बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाना क्या कहलाता है। तो यदि अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है तो यह प्रक्रिया अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्त बीजियों में भ्रूण पोष होता है। तो हमेशा याद रखना है कि किसी भी एंजियोस्पर्म के अंदर जो भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है पराग कण की जो बाह्य भित्ति होती है किसकी बनी होती है। तो ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। वहीं यदि पूछे कि पराग कण की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है तो सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर के प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। देखिए जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर के बीजांड के या भ्रूण कोष के अंदर प्रवेश करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पोरोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम पोरोगैमी कहते हैं। फिर देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि यदि पक्षियों के द्वारा परागण या पॉलिनेशन होता है तो उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सेव किस प्रकार का फल है। तो आपको याद रखना है कि यह एक कूट फल यानी कि असत्य फल का उदाहरण है, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो अंडाशय से ना होकर के पुष्पासन से होता है। तो जब आपको याद रखना है कि अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भागों से यदि फल का निर्माण होता है तो यह प्रक्रिया यह ऐसे बनने वाले फल को हम असत्य फल कहते हैं। तो सेव किस प्रकार का फल है? तो आपको याद रखना है कूट फल यानी कि असत्य फल या फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है कीटों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है एंटोमोफिली कहलाता है। तो यदि कीटों के द्वारा होता है परागण तो उसे हम एंटोमोफिली कहते हैं। यदि पक्षियों के द्वारा परागण होता है तो उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। यदि वायु के द्वारा परागण होता है तो एनिमोफिली कहते हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि यदि कीटों द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। और यदि किसी भी जंतुओं द्वारा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? जूफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए कि एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यदि किसी पर्टिकुलर एक ही बीज से कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इसे हम पॉलीएम्ब्रियानी यानी कि बहुभ्रूणता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो आपको याद रखना है सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है? टेस्टिस यानी कि वृषण के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शुक्राणु होते हैं यानी कि स्पर्म जो होते हैं इनका परिपक्वन कहां पर होता है। तो आपको याद रखना है कि शुक्राणुओं का परिपक्वन एपिडीडाइमिस में होता है। इसको हम हिंदी में अधिवृषण भी कहते हैं। तो अधिवृषण या एपिडीडाइमिस के अंदर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती है। तो यह भी आपको याद रखना है वृषण के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा लीडिंग कोशिका होती है वो भी आपको यदि पूछे तो आपको याद रखना है कि वृषण के अंदर ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में 23वें दिन के अंडाशय चक्र में आपको याद रखना है कि जो मनुष्य में 28 दिन का जो अंडाशय चक्र होता है यानी 28 दिन की जो मेंसुरल साइकिल होती है उसमें अंडोत्सर्ग किस दिन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 14वें दिन। ये आपको याद रखना है कि मासिक चक्र या मेंसुरल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 4। मानव में 4 प्रकार की भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है जिसका नाम है एमनियन, कैरियन, एलेंटाइस और योक सैक। ये 4 प्रकार की भ्रूणीय झिल्लियां होती है जो कि मानव के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है शिशु जन्म के समय किस हार्मोन्स का श्रावण होता है। तो आपको याद रखना है केवल एक ही ऐसा हार्मोन्स है जिसका
जिसका जो कि रिलीज होता है किस समय, शिशु जन्म के समय। तो शिशु जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्त्राव होता है, यह आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन कहां होता है। तो देखिए, जो मानव में निषेचन होता है यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है, यह किसी भी मादा के फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है। तो आपको याद रखना है कि 270 दिनों की होती है लगभग, तो 270 से 280 दिनों के बीच की होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवकाय यानी कि पोलर बॉडी बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक अंडाणु के निर्माण के समय 3 पोलर बॉडी यानी कि ध्रुवकाय का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रश्नों की जो उत्पत्ति होती है यानी ओरिजिन ऑफ टेस्टिस जो होती है, किस परत से होती है भ्रूण की। तो आपको याद रखना है, यह भ्रूण के मेजोडर्म से उत्पत्ति होती है। किसकी, आपको याद रखना है ब्रश्नों की। अगला क्वेश्चन है जायगोट या युग्मनज की सूत्रगुणिता होती है। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछे कि जायगोट यानी कि युग्मनज की सूत्रगुणिता होती है, तो आपको याद रखना है डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। यदि आपसे पूछता है भ्रूणपोष की, तो आपको याद रखना है त्रिगुणित। यदि आपसे पूछता है युग्मक की, तो आपको याद रखना है अगुणित। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नर व मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो नर व मादा युग्मक के मिलने की आपस में जो क्रिया होती है, उसे हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्यिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गोनोरिया रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो यह नीसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है। तो जैविक इंडेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक जो सिफिलिस रोग होता है, सिफिलिस रोग किसके द्वारा होता है। तो सिफिलिस रोग आपको याद रखना है कि यह टेपिनुआ पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स को क्या कहते हैं। तो कैंसर के लिए जो उत्तरदायी जीन्स होते हैं, उन्हें हम ऑन्कोजीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए एड्स किस प्रकार का रोग है। तो आपको याद रखना है कि यह एक एसटीडी, इसकी जगह आप एसटीडी भी लिख सकते हैं। तो यौन संचरित रोग या एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यदि आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप एसटीडी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, वो भी आपका सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। देखिए एड्स से संबंधित और क्वेश्चन पूछा जाता है। एड्स से संबंधित एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसके अलावा इसके यह किसके कारण होता है। तो इसका वाहक आपको याद रखना है कि एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसके कारण एड्स रोग होता है, यह भी आपको याद रखना है। और एड्स के लिए जो परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसे हम एलिजा टेस्ट कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मानव में कितने सहलग्नता समूह पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 23 पेयर यानी कि 23 जोड़े सहलग्नता समूह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गुड़सूत्र की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है स्ट्रासबर्गर ने की थी। किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। और यदि आपसे पूछे कि गुड़सूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था, वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो देखिए मीराबिलिस जलापा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण जो है, यह किस क्रोमोसोम के कारण होता है। तो आपको याद रखना है बाई क्रोमोसोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन नियम का अपवाद है। तो आपको याद रखना है लिंकेज यानी कि सहलग्नता। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया। तो मटर के पौधे का यानी कि पाइसम सटाइबम के पौधे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण सहलग्नता किसमें पाई जाती है। तो नर ड्रोसोफिला में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पूर्ण सहलग्नता यानी कंप्लीट डोमिनेंस आपको नर ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि उस सिंड्रोम का नाम बताना है जिसमें कि डबल एक्स बाई लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी एक्स बाई लिंग गुणसूत्र की अपेक्षा एक एक्स गुणसूत्र जो है एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यह गुणसूत्र कौन सा होता है, यह सिंड्रोम कौन सा होता है। तो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, यह बेसिकली एक रोग होता है जो कि गुणसूत्रीय अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग होता है, जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में दो एक्स की जगह एक एक्स की जगह में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है। अगला क्वेश्चन है लिंग सहलग्नता का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है वर्णांधता, इसके जगह आप हीमोफीलिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लिंग सहलग्नता रोग के एग्जांपल हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम है। तो देखिए हीमोफीलिया को ही हम ब्लीडर्स रोग कहते हैं, क्यों, क्योंकि इस रोग में लगातार ब्लीडिंग होती है, खून लगातार रक्त बाहर निकलने लगता है। अगला क्वेश्चन है जब एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों का निर्धारित करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम बहुप्रभाविता कहते हैं, अर्थात एक ही जीन बहुत सारे लक्षणों को प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात कितना होता है। तो आपको याद रखना है 1:2:1 होता है। यदि एक संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, तो आपको याद रखना है कि अनुपात कितना प्राप्त होगा, जीनोटाइप 1:2:1। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है वो क्या कहलाती है। तो बाह्य चोलिया एक्जाइन कहलाती है।
और यदि अंताचौल पहुंच पूछे आपसे तो इंटाइन कहलाती है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पराग कोष का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है। देखिए यदि पराग कोष या एंथर का विकास वर्तिकाग्र से पहले हो जाता है इस प्रक्रिया को हम पूर्वता कहते हैं। वहीं यदि आपसे क्वेश्चन घुमा दिया जाए कि यदि वर्तिकाग्र का विकास पहले हो जाए पराग कोष की अपेक्षा तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम स्त्री पूर्वता कहेंगे। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य भ्रूण कोष के अंदर केंद्रकों व कोशिकाओं की संख्या होती है, तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोष के अंदर या मादा युग्मकोद्भिद के अंदर 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इसी प्रकार क्रमशः हम आपको चैप्टर 5 से चैप्टर 8 तक की और चैप्टर 8 से चैप्टर 13 तक की यानी आपको 3 वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।